नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मध्य प्रदेश में लिंगानुपात सेक्स रेशियो इन मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश की जनगणना में डेटा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसे सेपरेट सेपरेट छोटे छोटे पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको मध्य प्रदेश की जनगणना के सभी वीडियो चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम लिंगानुपात क्या होता है। दोस्तों, सेक्स रेशियो क्या होता है याद रखना, किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष एवं स्त्री की संख्या के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। क्या? किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष एवं स्त्री की संख्या के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए दोस्तों, तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। क्या? प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं, सेक्स रेशियो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात। ठीक है, सेक्स रेशियो ऑफ मध्य प्रदेश। दोस्तों, 2000 की जनगणना में, कब? 2001 की जनगणना में मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात कितना था? 919 था। ठीक है, 919 था 2001 की जनगणना में। ठीक है, जिसमें 12 की वृद्धि के साथ, कितनी की वृद्धि? 12 की वृद्धि के साथ 2011 में मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात 931 पहुंचा गया। कितना पहुंच गया? 931 पहुंच गया। अर्थात मध्य प्रदेश में 1000 पुरुष में 931 महिलाएं हैं, जो भारत के लिंग अनुपात 943 से कम है। कहने का मतलब दोस्तों, मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात 2001 की जनगणना में कितना था? 919 था। उसमें कितने की वृद्धि हुई? 12 की वृद्धि हुई। और 2011 में कितना हो गया? तो 931 हो गया। ठीक है, मतलब 1000 पुरुष में 931 महिलाएं हैं। और भारत का लिंग अनुपात कितना है दोस्तों? 943 है, 943। मतलब भारत में 1000 पुरुष में 943 महिलाएं हैं। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे पढ़ने से क्या होता है, हमें डेटा बहुत लंबे समय तक याद रहता है। मतलब 12 की वृद्धि के साथ हमने पढ़ा तो हमें याद रहेगा, हम कंफ्यूज नहीं होंगे और एग्जाम हॉल में हम अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है? 931 है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? 943 है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है। क्या? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों, बालाघाट। बालाघाट में सर्वाधिक लिंग अनुपात है। ठीक है, और कितना है? 1021। ठीक है, मतलब यहाँ पर 1000 पुरुष पर 1021 महिलाएं हैं। मतलब पुरुष से ज्यादा क्या है यहाँ पर? महिलाएं हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम डिस्कस करते हैं कि मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले चार जिले हैं वो कौन कौन से हैं। तो याद रखना, बालाघाट इसका कितना है? 1021। अलीराजपुर 1011, मंडला 1008 और डिंडोरी 1002। दोस्तों याद रखना, मध्य प्रदेश में चार ऐसे जिले हैं जिनका लिंग अनुपात 1000 से अधिक है। मतलब वहां पर पुरुषों की संख्या से ज्यादा महिलाओं की संख्या है। ठीक है, तो याद रखना, बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है, कि सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जो जिले हैं उनके क्रम को बढ़ते से घटते क्रम में सजाइए। ठीक है, याद रखना, बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी, ये चार जिले जिनका लिंगानुपात 1000 से अधिक है। ठीक है, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो बालाघाट है, 1021 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? भिंड है। इसका लिंगानुपात है 837, मतलब 837। ठीक है, और न्यूनतम लिंगानुपात वाले चार जिले कौन कौन से हैं? तो भिंड है 837, मुरैना 840, ग्वालियर 864 और दतिया 873। मतलब कहने का दोस्तों यहां है कि 1000 पुरुष में भिंड में 837 महिलाएं हैं, जो कि बहुत कम है। ठीक है, तो याद रखना, मध्य प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? भिंड है। अब ये दोस्तों, ये चारों जिले जो है दोस्तों, देखिए मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले में, उत्तरी क्षेत्र में है। कौन से क्षेत्र में है? उत्तरी क्षेत्र में है। ठीक है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? भिंड है, और उसका लिंगानुपात है 837। नेक्स्ट देखते हैं शिशु लिंगानुपात। अब शिशु लिंगानुपात क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना, 0 से 6 वर्ष के बीच की उम्र में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या को शिशु लिंगानुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिशु लिंगानुपात कहा जाता है, या बाल लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है, उम्र क्या है? 0 से 6 वर्ष के बीच। ठीक है, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। मध्य प्रदेश में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो याद रखना, 918 है। कितना? 918 है मध्य प्रदेश में शिशु लिंगानुपात। और भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है? 919 है। मतलब मध्य प्रदेश में शिशु लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से एक कम है। ठीक है, भारत में 919 और भारत में 918, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों लिंगानुपात से संबंधित मध्य प्रदेश के, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों याद रखना, रीवा जिले का लिंगानुपात राज्य औसत लिंगानुपात से 931 के बराबर है। मतलब रीवा का लिंगानुपात 931 है और मध्य प्रदेश का लिंगानुपात भी 931 है।
मध्य प्रदेश में ग्रामीण लिंग अनुपात दोस्तों 936 है, कितना है 936 है। वहीं पर मध्य प्रदेश में नगरीय लिंग अनुपात कितना है 918 है, 918 है। कहने का मतलब दोस्तों ग्रामीण लिंग अनुपात बहुत अच्छा है नगरीय लिंग अनुपात की तुलना में। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला संभाग यदि आपसे पूछ ले दोस्तों तो याद रखना चंबल संभाग है, उसका कितना है 848 है। मतलब कहने का मतलब यह है कि 1000 पुरुष में चंबल संभाग में 848 महिलाएं हैं। और सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला संभाग पूछे तो याद रखना शहडोल है, इसमें कितना है 968, मतलब 1000 पुरुष पर 968 महिलाएं हैं। तो दोस्तों ये था आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात। आप प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, मध्य प्रदेश की जनगणना में इससे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।